मई महीने की भक्ति का चौथा दिन, संत मरिया का जन्मदिन। संपूर्ण संसार में पाप के घने बादल छाए हुए थे। अनेक व्यक्ति अंधकार में बैठे हुए थे। सांसारिक भोग विलास एवं ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। इस काल में पवित्र देश दो भागों में विभाजित हो गया, यहूदिया और गलीली। गलीली प्रदेश प्रभु ईसा मसीह की कर्म भूमि कहलाया। पवित्र देश के गलीली प्रदेश में नाजरेत नाम का छोटा सा गांव है। वहां की जलवायु सुखद एवं मनभावक है। जन जीवन शांत और सुखी था। लोग खेतीबाड़ी, कारीगरी एवं भेड़ बकरियां पालकर जीवन व्यापन करते थे। इसी गांव में जोकिम और अन्ना नामक वृद्ध दंपत्ति निवास करते थे। स्वभाव से वे दोनों बड़े ही संत प्रवृत्ति के थे। उनके हृदय में न तो रोमी सम्राट से घृणा थी और न हेरोद से भय। प्रतिदिन प्रातः प्रार्थना, भजन आदि गाकर अपनी दिनचर्या आरंभ करते थे। ठीक समय और अवसर पर सभागृह में प्रार्थना करना, धर्म ग्रंथ का पाठ सुनना, संहिता की शिक्षा ध्यान में रखना वे अपना कर्तव्य समझते थे। वे दाऊद वंश के थे और निसंतान थे। वृद्धावस्था में ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। नगर में चर्चा होने लगी कि अन्ना गर्भवती है। रब्बी जोकिम भाग्यशाली है। इस आयु में बच्चे का होना उनके लिए भाग्य की बात है। वे हमारे नगर में एक विशेष कृपा लाए हैं। अन्ना ने एक पुत्री को जन्म दिया। रब्बी जोकिम ने पड़ोसियों के साथ मिलकर ईश्वर की स्तुति की, धन्यवाद दिया कि ईश्वर ने उन्हें एक संतान दी। उस बालिका का नाम मरिया रखा गया। विश्व इतिहास के उस महानतम क्षण में ईश्वर ने मरिया को अपने चुनाव के योग्य माना, ताकि वह मानव मुक्ति योजना में अपना सहयोग दे। पवित्र माता मरिया का जन्मदिन प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। मरिया के जन्म पर शैतान भयभीत हो कांपने लगा, क्योंकि उसका सिर कुचलने हेतु एक स्त्री ने जन्म लिया है। दृष्टांत: बालक यीशु की संत तेरेसा का जन्म 1873 में फ्रांस देश के एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उसके परिवार की 5 बहनों ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया था। तेरेसा की तीव्र इच्छा थी कि वह भी कार्मेल कॉन्वेंट की सदस्य बन जाए, परंतु 15 वर्ष की आयु तक भी उसे प्रवेश नहीं मिला। उसने माता मरिया की सहायता मांगी और स्वयं संत पापा लियो 13वें से कार्मेल कॉन्वेंट में प्रवेश हेतु अनुमति प्राप्त की और 16 वर्ष की आयु में स्वयं को ईश्वर को समर्पित किया। वह धार्मिकता तथा पवित्रता में तीव्र गति से बढ़ती गई। उसने अपना सारा जीवन प्रभु के असीम प्रेम और त्याग में व्यतीत किया। कठिन तपस्या के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह 24 वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधार गई। वह नन्ना फूल के नाम से जानी जाती है। सन 1925 में वह संत घोषित की गई। अब वह संपूर्ण संसार के कैथोलिक मिशन की संरक्षिका एवं धर्माचार्य नियुक्त की गई है। प्रार्थना: हे अति पवित्र माता मरिया,
भोर का तारा, तूने अपने जन्म द्वारा हमें मसीह के आगमन की सूचना दी है। उसी कृपा की किरण से हमारी आत्माओं को प्रज्वलित कर, जिससे हम इस ज्योति में चलते हुए अन्य लोगों के समक्ष आदर्श जीवन प्रस्तुत कर सके और इस जीवन के पश्चात स्वर्ग धाम में प्रवेश करने योग्य बन सके। आमीन।